आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी मनी ऑर्डर की मुसीबत। लेखक हैं राधा कृष्ण और निर्देशक केदारनाथ पांडे। ढप्पन जी हैं, आप ही हैं ना? आखिर बात क्या है, अगर आप पुलिस के आदमी हैं तो ढप्पन जी ससुराल गए हैं, और अगर आप मिलिट्री के आदमी हैं तो ढप्पन जी मिलिट्री में भर्ती होने के लिए कंटोनमेंट ऑफिस गए हैं। मैं डाकिया हूँ, उनके नाम एक पत्र आया है। डाकिया हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर आदमी को हमेशा ऐसी पोशाक पहननी चाहिए कि जिसे देखकर किसी को घबराहट न मालूम हो। अभी मैं तुम्हें देखकर कितना डर गया था, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका देनदार कौन होता? कहाँ है मेरी चिट्ठी, लाओ दो। ये रही आपकी चिट्ठी, लीजिए। अजी महाशय, आप तो चिट्ठी देते ही चलने लगे। अरे जरा रुकिए ना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ये चिट्ठी किसने लिखी है। पता नहीं किसने लिखी है, आप ही पढ़कर देख लें। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आजकल सभी लोग ढीले ढाले ढंग से काम करते हैं, आकर चिट्ठी दे रहे हैं, मगर ये जानते नहीं कि ये पत्र लिखा तो किसने लिखा। आप खुद ही पढ़कर देख लीजिए, मैं चला। अजी साहब जाते कहाँ हैं? मैं आपके सामने ही चिट्ठी पढ़ूंगा, अगर कोई गलती हुई तो आप जानिए। खड़े खड़े चिट्ठी सुन लीजिए तो आगे जाइएगा। हाँ, स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य नमोदित श्री 108 ढप्पन जी को प्रयागराज से सनंदन जी का नमो नमस्ते। नमो नमस्ते, नमो नमस्ते सनंदन जी, नमो नमस्ते। ये सनंदन जी की चिट्ठी है, सुन रहे हैं ना? अच्छा, कहते हैं नमो नमस्ते। ठीक है, वाह 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 वाह। अब आगे सुनिए। हाँ, यहाँ कुशल तथा मंगल है, आप लोगों की कुशलता के लिए परम पिता भगवान जी से विनती कर रहा हूँ। आगे लिखने का सूरत ऐसा है कि आजकल महंगाई के कारण बड़े कष्ट में पहुंच गया हूँ, मेरे सिर पे ऋण भी हो गया है। अरे अरे अरे, राम 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 राम, और संभाले संभल भी नहीं पाता। अतेव ढप्पन जी, आप कृपा करके मेरे पास 50 रुपए भेज दें तो इस महंगाई में वे रुपए काम देंगे। उसके बाद जब सस्ती होगी तब आपके रुपए वापस कर दूंगा। आपका सनंदन जी। देखते हैं साहब, ये सनंदन जी की चिट्ठी है, 50 रुपए मांग भेजे हैं, लेकिन भेजू कैसे? हाँ, मैं अब की बार जब कुंभ मेले प्रयागराज जाऊंगा ना तो उन्हें 50 रुपए दे दूंगा। कुंभ तो 12 वर्षों के बाद लगेगा, आप ऐसा करें उन्हें मनी ऑर्डर से रुपया भेज दें। ये आपने ठीक कहा, हाँ मनी ऑर्डर से उन्हें रुपए भेज दूं। बस बस बस, यही ठीक है, बिल्कुल ठीक। मगर भाई जी, रुपये गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगे? आप भी कैसी बातें करते हैं। अच्छा तो देखिए, मैं आपके कहने से मनी ऑर्डर से रुपए भेज रहा हूँ, अगर किसी किस्म की गड़बड़ी हुई तो आप जानिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं। डाक बाबू, राम 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 राम। राम राम ढप्पन जी, कैसे आए? ये देखिए, मेरे पास 50 रुपये हैं। अच्छा, 30 रुपये तो सरसों बेचने से आए, 10 रुपयों का उड़द बेचा है, और फिर जो ये बाकी 10 रुपये है ना, सो पहले से ही मैंने अपने पास रख छोड़े। अच्छा अच्छा,
मगर इन रुपयों का मैं क्या करूं? अरे करेंगे क्या आप, और आप कर ही क्या सकते हैं? इन रुपयों को आप सनंदन जी के पास मनी ऑर्डर कर दीजिए। तो मनी ऑर्डर का फॉर्म भर दिया है आपने? हाँ वो तो भर दिया है, फिर भी मैं आपको सनंदन जी का हुलिया बता दूं। वे दारागंज में रहते हैं, उनकी नाग पिमाशा है, सिर पर साफा बांधते हैं, पैरों में चमरौधा जूता पहनते हैं। ठीक है लाइए रुपया, लाइए रुपया तो ये लीजिए, ए ये। अच्छा तो ठीक, ये रहे 50, गिन लीजिए। मगर कहीं ऐसा ना हो कि सनंदन जी के बदले आप किसी दूसरे को रुपया दे आइए। दारागंज प्रयागराज। हाँ हाँ हाँ, तो ये लीजिए मनी ऑर्डर की रसीद, ले लीजिए। रसीद तो मैंने ले लिया, मगर आप अब जाइए, सनंदन जी को रुपए दे आइए, बेचारे महंगाई के कारण बड़े परेशान हैं। अगर पास में रुपये रहेंगे तो काम ही देंगे। आपने उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी, बड़े परेशान होकर लिखी है। ठीक है अब जाइए, मनी ऑर्डर हो गया। एक बार फिर से सनंदन जी के बारे में सुन लीजिए, आप भुलक्कड़ आदमी है, कहीं भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सनंदन जी दारागंज में रहते हैं, सिर हिला हिला कर बोलते हैं, उनकी नाक पिमासा है, नाक पर, सिर पर छींट का साफा बांधते हैं, जब बोलने लगते हैं तो उनके सर का साफा भी हिलने लगता है। मैंने कहा कि आपका मनी ऑर्डर हो गया, अब आप जाइए। मनी ऑर्डर हो गया? हाँ हाँ हो गया। कैसे हो गया? आप अभी तक यहीं हैं और कहते हैं कि मनी ऑर्डर हो गया। देखिए डाक बाबू, आप जाइए और सनंदन जी को वो 50 रुपये दे आइए। देखिए ढप्पन जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं, आपका रुपया वहां पहुंच जाना चाहिए, सो पहुंच जाएगा, बस आपको किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी मेरा रुपया है तो इसकी फिक्र कौन करेगा? आप करेंगे? अभी उसी दिन तालाब पे नहाने गए तो आप अपनी धोती छोड़कर चले आए थे, जिसे अपनी धोती की फिक्र ना हो वो हमारे रुपयों की फिक्र करेगा। लाइए मेरा रुपया वापस कीजिए, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा। क्यों खोपड़ी खाते हो बाबा, आपका रुपया पहुंच जाएगा। आपने तो मेरे रुपए संदूक में डाल दिए और कह रहे हैं कि आपका रुपया पहुंच जाएगा, ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। हाँ मैं इस तरह की लनपन में नहीं पड़ता, मुझे साफ काम पसंद है, समझे? मनी ऑर्डर की रसीद तो मैंने आपको दी। अरे ये रसीद लेकर क्या मैं चाटता रहूंगा? वहाँ सनंदन जी महंगाई के मारे परेशान हैं और यहाँ आपने उनके रुपए लेके संदूक में बंद कर दिए। आजकल कितना भ्रष्टाचार है कि समझ में नहीं आता। लाइए मेरे रुपये वापस कीजिए, अब आपका कोई विश्वास नहीं। आप भी कैसी बातें करते हैं ढप्पन जी, ये रुपए तो अब वापस नहीं होंगे। मेरे रुपए और मुझे को वापस नहीं होंगे? वाह 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 वाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डाक बाबू, मैं आसमान जमीन एक कर दूंगा, अपने रुपए वापस लेकर ही रहूंगा। लाचारी है ढप्पन जी, लाचारी है, ये रुपए वापस नहीं होंगे। रुपए क्यों वापस नहीं होंगे, क्या ये भी कोई कायदा है? हाँ हाँ भाई ऐसा ही नियम है। मैं ऐसा बेतुका नियम नहीं मानता। हाँ लाइए मेरे रुपए वापस कीजिए, मैं किसी दूसरे डाक बाबू से मनी ऑर्डर करूंगा। हाँ कह दिया ना ढप्पन जी कि रुपए वापस नहीं होंगे। ये अन्याय है, मैं इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा। हाँ आप चाहे जो करें मगर आपको रुपए वापस नहीं हो सकते। अच्छा देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा। हाँ लेकिन आप जाइए भी तो, जो समझ में आए वही कर लीजिएगा। ठीक है मैं जाता हूँ, मगर मेरे मोहल्ले की ओर आइएगा तो पता चलेगा। इन 50 रुपयों के लिए आपकी धोती ना उतरवा ली तो कहना। हाँ, कैसे कैसे लोग भी आए। मैं नहीं जानता था कि ठाक बाबू इस तरह का बेईमान निकलेगा। तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे, इतना इतना रुपया जाकर दे दिया, अब काम नहीं हुआ तो आकर रो रहे हो। हो सकता है उसने रुपया किसी दूसरे से भेज दिया हो। हो सकता है कि उसने भेजा ही ना हो। अरे उसका क्या, रुपए तो गए मेरे। रुपये क्यों जाएंगे जी, एक एक नया पैसा वसूल नहीं किया तो मेरा नाम श्यामा नहीं है।
सारे मोहल्ले को सिर पर उठा लूंगी। बड़ा डाक बाबू बनता है। मैं तो भाई हार गया उससे। कल रात गया था तो कहने लगा कि मैंने रुपये भेज दिए हैं, मगर मैं जानता हूँ कि वो यहाँ से कहीं गया ही नहीं है। तुम भी तो बिना कहे पूछे काम कर लेते हो, और जब सर पर पड़ता है तो रोना शुरू करते हो। अब तो अपना रुपया निकालना ही होगा। मैं उसकी औरत से पूछती हूँ। पूछना हो तो पूछ लो, मगर वो भी वैसे ही है, थोड़े ही नाम लेगी। वो नाम ना लेगी तो अपना रुपया छोड़ दूं। मैंने भी डाक बाबू से कहा था कि अपने लड़के के सिर पे हाथ रखकर कसम खाओ, तो वो भी मुंह कर गया। घबराओ नहीं, मैं कोड़ी कोड़ी वसूल कर लूंगी। यहाँ चोरी के रुपए नहीं आते, अपनी हक कमाई के रुपए हैं। दिलगी नहीं है जो रुपया हजम हो जाएगा। आग लग जाए बाबा, बदर पड़ जाए ऐसे घर वाले पर, भला ऐसा भी कोई बेईमान होता है? क्या हुआ बहन, आज किस पर गर्म हो रही हो? किस पर गर्म होंगी, कोई दिल लगी है? आज के जमाने में 50 रुपए कोई मुफ्त के आते हैं, जो उस मुस्तंडे ने अपने संदूक में रख लिया और अब नाम ही नहीं लेता। ओहो, ये तो बड़ा बुरा है बहन। 50 रुपए संदूक में रख लिए, किसने रख लिए? अरे अरे, तेरा जो पति है ये सारी उसी की कारस्तानी है। उसकी दोनों मुझे उखाड़ न लूं तो मेरा नाम श्यामा नहीं है, वो नाश काटा तिल तिल कर मरेगा। मेरे पति ऐसे हैं नहीं जो किसी के रुपए ले ले। आई है गाली बकने। अभी तक मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती आई हूँ। अरे चल चल, ये धौंस किसी और पर जमाना। हे भगवान सूरज नारायण, जो मेरे पति पर झूठा लांछन लावे उससे तू समझना। हे भगवान, तू ही इंसाफ करना कि किसने रुपए दिए हैं और किसने रुपए लिए हैं। भगवान उसका इंसाफ करेगा, जरूर करेगा। उसके राज में दूध का दूध और पानी का पानी। जिसने मेरे पति के रुपए मनी ऑर्डर के बहाने ठग लिए हो, उसका उसका सत्यानाश हो। है? अरे झूठ बोलने वाले के घर में आग लग जाए। हे सूरज नारायण, उसे मरने पर पानी भी नहीं देना। अजी ये क्या बात है, ये लड़ाई झगड़ा किस लिए? इसके पति से तुमने 50 रुपए लिए थे। मैं क्यों लूंगा, उसने ही तो मुझे मनी ऑर्डर करने के लिए रुपए दिए थे। तू वापस करो, इस नासकाटी का रुपया अभी वापस करो। वे रुपए तो अब वापस नहीं हो सकते, वे मनी ऑर्डर के रुपए थे सो चले गए। देखा, देख लिया ना तुमने, 50 रुपए डकार गए, और अब कहते हैं कि रुपए वापस नहीं हो सकते। अरे रे मुए, तूने क्या समझ लिया है? देखो जबान संभाल कर बोलो, औरत हो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, दूसरा कोई होता तो पकड़ कर चीख के। अरे अरे चल चल, बड़ा आए हैं जीभ खींचने वाले, देखती हूँ कि तू मेरा क्या कर लेता है। 13 रुपया मनी ऑर्डर हो गया, अब क्यों बोलती है? और अब मैं तुझे भी मनी ऑर्डर कर दूंगी। तू मुझे मनी ऑर्डर करेगी? तो मैं भी तुझे रजिस्ट्री कर दूंगी, तुझे तार से भेज दूंगी। तू मुझे रजिस्ट्री करने वाली कौन होती है? डाकघर मेरे पति का है कि तेरे पति का? अरे यहाँ तो महाभारत मचा है। अरे सुनती हो, अरे अभी अभी सनंदन जी की रसीद आ गई है, और एक पोस्ट कार्ड भी आया है, लिखते हैं कि तुमने जो रुपया भेजा सो मिल गया। देखा? देखना क्या है, अगर मैं इस तरह हल्ला गुल्ला ना करती तो इतनी जल्दी मनी ऑर्डर नहीं मिल सकती थी। डाक बाबू माफ कीजिएगा, भूल हो गई, मनी ऑर्डर पहुंच गया। ठीक है जाइए, अपनी इसको भी लेते जाइए। अरे रे नास काटे, मेरा घर वाला माफी मांग रहा है तो तुम माफ भी नहीं करेगा? अच्छा बाबा अच्छा, माफ कर दिया। अजीब लोग हैं। मनी ऑर्डर की मुसीबत। अभी आप सुन रहे थे राधा कृष्ण की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे केदारनाथ पांडे। ये थी आकाशवाणी रांची की प्रस्तुति।